उधर पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी के बैन पर बीजेपी ने ममता सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म के बैन को अन्याय बताया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी को बैन कर दिया गया और अब तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप बीजेपी की तरफ से ममता सरकार पर लगाया जा रहा है। प्रतिबंध लगाना है, अंकुश लगाना है तो ऐसी गतिविधियों पर, उन लोगों पर लगाएं जो पश्चिम बंगाल की बेटियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या करते हैं, उनके खिलाफ कड़े कदम उठाएं। वहां आपके कदम उठते नहीं, लेकिन फिल्म को प्रतिबंध करने में आप पीछे रहती नहीं। मणिपुर में हिंसा वाले 11 जिलों में पहली बार ढील दी गई ताकि दूसरे राज्यों से आए लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और लोग जरूरत का सामान खरीद सकें, क्योंकि हिंसा के बाद से मणिपुर के 11 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ था। 4 दिन बाद इस कर्फ्यू में सरकार ने ढील दी ताकि लोग जरूरत का सामान खरीद सकें। इस दौरान वहां हालात काफी हद तक सामान्य नजर आए। दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े दिखाई दिए। 3 मई को मणिपुर